Hello, my name is Avasad and I am Research Officer in KICS AIRL lab. So today's topic is about clustering. Clustering होती है, ये agenda है आज की tutorial का, जिसमें हम लोग clustering के बारे में बात करेंगे और K-means clustering के बारे में बात करेंगे और hierarchical clustering अगले lecture में बात करेंगे. Okay, what is clustering? Clustering is similar to classification. However, unlike classification, the groups are not predefined. Clustering के अंदर आप अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जा रहे होते हैं और जो क्लासिफिकेशन है वो सुपरवाइज लर्निंग की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करता है. तो क्लस्टरिंग कैन बी व्यूड एज सिमिलर टू अनसुपरवाइज लर्निंग. जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द बेसिक फीचर ऑफ क्लस्टरिंग एज अपोज टू द क्लासिफिकेशन, द बेस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज नॉट नोन. ठीक है, इसमें आपको क्लस्टर्स के नंबर ऑफ क्लस्टर्स का नंबर नहीं पता होता कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स हैं. देर मे नॉट बी एनी प्रायर नॉलेज कंसर्निंग द क्लस्टर्स. ठीक है, उन क्लस्टर्स के बारे में नॉलेज भी नहीं होता कि उन वो क्लस्टर्स किस चीज़ के बारे में है. और जो क्लस्टर्स होते हैं वो डायनामिक होता है. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ क्लस्टर्स हैव बीन प्रपोज्ड, सेट ऑफ लाइक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर्स आर नॉट अलाइक. ठीक है, जो क्लस्टर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सेम सेट ऑफ लाइक एलिमेंट्स हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, मतलब जो डिफरेंट क्लस्टर्स के एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगे एक दूसरे से, जो एक सेम क्लस्टर के एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे. सो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ क्लस्टर इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट इन द क्लस्टर एट एंड एनी पॉइंट आउटसाइड इट. ठीक है, सो ये गिवन ये क्लस्टर्स हैं. सही है, सो इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लस्टर्स, डिफरेंट क्लस्टर्स. सो ये ट्राइंगल्स एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर्कल्स एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो पर्पल में ये ब्लॉक्स हैं ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो इन अ ग्राफ आप इन सबको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं. सो व्हाई क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग यूज़ क्यों होती है? तो हाई डायमेंशनैलिटी के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर्स विद एट्रीब्यूट शेप, और एबिलिटी टू डील विद नॉइजी डेटा. तो देखते हैं हाई डायमेंशनलिटी के लिए क्यों यूज होती है. द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम शुड नॉट ओनली बी एबल टू हैंडल लो डायमेंशनल डेटा बट हाई डायमेंशनल स्पेस. सही है, अब कुछ जगहों पे आपका लो डायमेंशनल डेटा आ जाता है जहाँ पे सिर्फ आप लो लेवल की चीज़ों को कैटर करते हो, हाई लेवल की चीज़ों को नहीं कैटर करते. तो ये क्लस्टरिंग जो है वो सिर्फ लो लेवल के लिए नहीं बल्कि हाई लेवल डायमेंशनल स्पेस डेटा के लिए भी यूज़ होती है. स्केलेबिलिटी, वी नीड हाई स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स टू डील विद लार्ज डेटाबेस. अब डेटाबेस के अंदर आप स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं. तो हाई स्केलेबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम टू डील विद लार्ज स्केलेबिलिटी लार्ज डेटाबेस, जितना आपके पास जितने ज़्यादा हाई स्केलेबल क्लस्टर्स होंगे उसको डील करने के लिए आपको वैसा एल्गोरिदम चाहिए होगा ताकि आपके डेटाबेस जो हैं वो वेल मेंटेन्ड रहें. सो एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स, एल्गोरिदम शुड बी केपेबल टू अप्लाइड ऑन एनी काइंड ऑफ डेटा सच एज इंटरवल बेस्ड डेटा, कैटेगोरिकल बेस्ड डेटा, बाइनरी डेटा. सो इसके अंदर आपका जो एल्गोरिदम है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि वो हर किस्म के डेटा को डील कर सके, ना कि सिर्फ एक किस्म के डेटा को. कैटेगोरिकल भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, और न्यूमेरिकल भी हो सकता है. सो डिस्कवरी ऑफ क्लस्टर्स विद एट्रीब्यूट शेप. सो द क्लस्टरिंग एल्गोरिदम शुड बी केपेबल ऑफ डिटेक्ट क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्री शेप. इट शुड नॉट बी बाउंडेड to only distance measures that tend to find spherical clusters of small sizes. So इसके अंदर आपका जो attribute shape है वो जो आपका algorithm है, it should be able to detect the cluster, जो cluster की arbitrary shape होती है उसको identify कर सके, उसको identify कर सके कि ये जो shape है ये इस specific group से ताल्लुक़ रखता है, या ये जो spherical, जिस तरह हमने पहले देखा था कि ये जो सर्कल है ये इसका जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ये हैं, और ये ट्राइंगल्स हैं इसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट हैं. सो आपकी जो आर्बिट्री शेप है वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करती है. एबिलिटी डील विद नॉइजी डेटा, ये आपका जो जो एल्गोरिथम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो नॉइजी डेटा को भी डील कर ले. डेटाबेस कंटेन नॉइजी मिसिंग एंड एनोरस डेटा, सम एल्गोरिथम्स आर सेंसिटिव टू सच डेटा एंड मे लीड टू पोअर क्वालिटी क्लस्टर्स.
सो आपके एल्गोरिथम के अंदर आपका जो नॉइजी डेटा है वो खुद ही उसको एडिट कर देना चाहिए, उसको जो आपके एल्गोरिथम है सारे उन क्लस्टर्स को वो इग्नोर कर दे या उनको प्री प्रोसेस करके बेहतर कर दे। अब क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग के अंदर क्या कंपैरिजन होता है? क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखते हैं कि सुपरवाइज के लिए होती है, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज के लिए होती है। जैसे बताया बेसिक, इसके अंदर क्या होता है कि लेबल्स होते हैं और इसके अंदर आपके विदाउट लेबल्स होते हैं, क्लासेस विदाउट लेबल्स होती हैं। इसकी नीड क्या है? ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा सेट यूज़ होता है इसके अंदर। इसके इन देर इज़ नो नीड फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। इसके अंदर ट्रेनिंग टेस्टिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है, मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू क्लस्टरिंग। इसके अंदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है एज इन स्पेस एंड टाइम। ये लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू क्लासिफिकेशन। तो एग्जाम्पल एल्गोरिदम इसके कौन से हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइपा इस क्लासिफायर, इसके अंदर के मीन क्लस्टरिंग जो हम आगे देखेंगे, और फजी क्लस्टरिंग, टाइप ऑफ क्लस्टरिंग, हायरार्किकल, पार्शियल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल के अंदर एल्गोमेरेटिव बॉटम अप आ जाता है और डिवाइसिव टॉप डाउन आ जाता है। और पार्टिशनल के अंदर, पार्टिशनल क्लस्टरिंग के अंदर के मीन्स डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, फजी सी मीन क्लस्टरिंग आ जाती है, और क्यूटी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आ जाता है। तो कॉमन डिस्टेंस मेजर, आप डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? सो डिस्टेंस मेजर करने का दो तरीके होते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, और मैनहट्टन डिस्टेंस होता है जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और सो हम लोग इनको आगे देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, सो के मीन क्लस्टरिंग, जस्ट गेट डाउन टू दिस टॉपिक, जो मेन टॉपिक है के मीन क्लस्टरिंग। के मीन्स एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम टू क्लस्टर एन ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स इन टू के पार्टीशंस वेयर के इज लेस देन एन। इट इज सिमिलर टू द एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम फॉर मिक्सचर्स ऑफ गॉसियन, इन दैट दे बोथ अटेम्प्ट टू फाइंड द सेंटर्स ऑफ नेचुरल क्लस्टर्स इन द डेटा। ओके, के मीन क्लस्टरिंग होता है कि आप उसको बता देते हो कि इतने इतने के इज नंबर, ठीक है, सो एन एट्रीब्यूट्स के लिए के नंबर्स को लेके आपने अपने जो डेटा है उसको क्लस्टर करना है। सो हम इसको देखते हैं कि आगे हम लोग इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि जो एल्गोरिथम हमारा वो सही काम करता भी है या नहीं करता। सिंपली स्पीकिंग, के मीन्स क्लस्टरिंग इज एन एल्गोरिथम टू क्लासीफाई और टू ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स फीचर्स। बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बताया था कि आप एट्रीब्यूट्स और फीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो इंटू के ग्रुप ऑफ इंटू नंबर के नंबर ऑफ ग्रुप्स, जितने भी आप इसमें आप के की वैल्यू रखते हैं उतने वो क्लस्टर्स बना देता है, उतने वो एट्रीब्यूट्स और फीचर्स के मुताबिक उनको एडजस्ट करता है कि वो एक दूसरे से जितने भी दूर हैं जो क्लस्टर्स हैं उनको उतना अलग रख देता है। तो जिस तरह आप कुछ इमेजेस, अगर आप इमेजेस की बात करें तो कुछ इमेजेस डार्क होंगे, कुछ इमेजेस लाइट होंगे, तो जितने डार्क इमेजेस हैं उनको एक साथ कर देगा, जितने लाइट इमेजेस हैं उनको एक साथ लाइट इमेजेस को एक साथ रख देगा। तो ड्यू टू डिस्टेंसेस तो उसने दो क्लस्टर्स बना लेगा। के इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर नंबर। द ग्रुपिंग इज डन बाय मिनिमाइजिंग द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डिस्टेंसेज बिटवीन डेटा एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्लस्टर सेंट्रोइड। ओके, इसको किया कैसे जाता है? स्टेप वन, बिगिन विद डिसीजन ऑफ वैल्यू ऑफ के नंबर ऑफ क्लस्टर्स। स्टेप टू, पुट एनी इनिशियल पार्टीशन दैट क्लासीफाइज द डाटा इन टू के क्लस्टर्स। यू में असाइन द ट्रेनिंग सैम्पल्स रैंडमली। अच्छा, इसको सिंपल हम लोग इस तरह देखते हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स आप डिफाइन कर देते हो, उसमें से फिर सेंट्रॉयड्स जो होते हैं, सेंट्रॉयड्स बिल्कुल आपके जो मीन मीन सेंटर्स जो आपके सेट के होते हैं उनको सेंट्रॉयड कहते हैं। तो उसके बाद आप देखते हो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट टू सेंट्रॉयड्स, कितने उन सेंट्रॉयड से जो आपके आइडियल केस टू सेंटर्स हैं उनसे कितने दूर हैं आपके बाकी जो डेटा सेट है, जो जितना क्लोज होगा वो उसके सेट के अंदर आ जाएगा, जिसको कहते हैं ग्रुपिंग ऑन बेस्ड ऑफ नॉन मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को देखते हुए। और उसके बाद ही वापस जाता है नॉन ऑब्जेक्ट मूव ग्रुप, जिसके बाद वो दोबारा चेक करता है कि सेंट्रॉयड उसने किसको असाइन करना है, और उसके बाद वो और ग्रुपिंग को बेहतर करता है। अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ शोइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मीन एल्गोरिथम यूजिंग के इज इक्वल टू टू। सो इट्स एन एग्जाम्पल वेयर के इज इक्वल टू टू। सो इट्स अ डेटा सेट, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो स्टेप वन, इनिशियलाइजेशन, जिसमें आप रेंडमली किसी दो डेटा सेट के अंदर
जो आपके वैल्यूज हैं उनको आप सेंट्रॉइड साइन कर देते हैं, जिस तरह इसमें 1 और 4 को किए रैंडम, इट्स जस्ट टोटली रैंडम, ठीक है। इसमें आप ग्रुपिंग कर देते हैं विद लाइक 1 के साथ कौन कौन होगा और 4 के साथ कौन कौन होगा। तो इनिशियल रैंडमली वी चूज फॉलोइंग 2 सेंट्रॉइड्स के इज इक्वल टू 2 फॉर 2 क्लस्टर्स विद, यस 2 क्लस्टर्स इन दिस एज के इज इक्वल टू 2 फॉर 2 क्लस्टर्स इन दिस केस 2 सेंट्रॉइड्स आर M1 दिस एंड M2 दिस, दस वी ऑब्टेन द क्लस्टर्स कंटेनिंग 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7। सो 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6, 7। सो इसको हम लोग देखते हुए कि कितना डिस्टेंस किससे दूर है, इसमें डिस्टेंस में ये कर लिया 1 से, तो सेंट्रॉइड 1 का तो डिस्टेंस 0 ही होगा ना, तो जिस तरह 4 से 4 का 0 होगा, तो अब ये डिस्टेंसेस सारे लिखे हुए आ गए हैं दोनों कॉलम्स में, और डिस्टेंस में ये करने का फॉर्मूला ये है। नाउ द सेंट्रॉइड इज कंप्यूट द यूक्लिडियन डिस्टेंस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट एज शोन इन टेबल, देयर फॉर द न्यू क्लस्टर्स आर 1, 2, और आफ्टर 1 आइट्रेशन वो चेक करता है कि अब कितना कितना डिस्टेंस है एक दूसरे के साथ। सो जो पहले हमने देखा था कि 1, 2 और 3 उसने एक साथ रखे थे, लेकिन आफ्टर दैट उसने चेक किया कि इन दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो उसने 1, 2 को उधर ही रखा और 3 को उसने दूसरे क्लस्टर में ट्रांसफ़र कर दिया। सो नेक्स्ट सेंट्रॉयड्स आर, फिर उसने नया सेंट्रॉयड लिया जिसमें उसने M1 और M2 नए डिस्टेंसेस लिए, जो न्यू डिस्टेंसेज न्यू कंप्यूटेड डिस्टेंसेज हैं उनको लिया। सो स्टेप 4 में द क्लस्टर्स ऑब्टेंड आर, जो न्यू क्लस्टर्स थे वो थे 1, 2 एंड सेम क्लस्टर्स से, क्योंकि उनमें चेंज नहीं आया उन क्लस्टर्स में, तो अब ये हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे रुक जाएगा और हमारे एंड रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है उसमें 1, 2 क्लस्टर्स एक साथ आएंगे और 3, 4, 5, 6, 7 एक साथ आएंगे। अ सिंपल एग्जाम्पल शोइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ के मीन एल्गोरिथम यूजिंग के इज इक्वल टू 2। तो एक शॉर्ट एग्जाम्पल है जिसमें एक रिप्रेजेंटेशन है एक डेटा की, जिसमें एक डेटा सेट 1, 2 का इधर पड़ा हुआ है और 3, 4, 5, 6, 7 का डेटा इस साइड पे पड़ा हुआ है। तो वीकनेसेस ऑफ के मीन क्लस्टरिंग, व्हेन द नंबर ऑफ डेटा आर नॉट सो मैनी इनिशियल ग्रुप विल डिटरमिन द क्लास क्लस्टर सिग्निफिकेंटली, द नंबर ऑफ क्लस्टर्स के मस्ट बी डिटरमिन बिफोर हैंड। सो आपको नंबर ऑफ क्लस्टर्स बताने पड़ते हैं बिफोर हैंड, एंड वी नेवर नो द रियल क्लस्टर्स यूजिंग द सेम डेटा बिकॉज इट इज़ इनपुटेड इन अ डिफरेंट ऑर्डर, इट मे प्रोड्यूस डिफरेंट क्लस्टर्स इफ़ द नंबर ऑफ डेटा इज़ फ्यू। तो नंबर ऑफ डेटा जो होता है आपका बहुत मैटर करता है, तो वो जो इनपुट डेटा है अगर वो डिफरेंट ऑर्डर में आपने इनपुट किया उसको, तो वो भी काफ़ी मैटर करता है। तो इट इज़ सेंसिटिव टू इनिशियल कंडीशन, डिफरेंट इनिशियल कंडीशंस में प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ क्लस्टरिंग। अगर आपके इनिशियल कंडीशंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, वेरी कर जाते हैं, तो उसके लिहाज से आपका फाइनल रिजल्ट काफ़ी वेरी कर सकता है। इसके एप्लीकेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, जिसके अंदर रियल लाइफ एप्लीकेशंस में ऑप्टिकल करेक्ट रिकग्निशन के अंदर यूज हो सकती है, बायोमेट्रिक्स के अंदर, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स के अंदर, मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर यूज़ हो सकता है। सो ये था आज का टॉपिक के मीन्स क्लस्टरिंग के अंदर। तो हम लोग अगले लेक्चर में फिर बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।